तीगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार भाई ललित नागर को जीतने के लिए युवाओं ने कमर कस ली। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी अनिल बेसला ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी को भगाना है और निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व विधायक ललित नागर को जिताना है। लॉकडाउन में ललित नागर अपनी क्षेत्र के जनता के साथ खड़े रहे, जब कोई जनता का साथ नहीं दे रहा था। ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी ललित नागर जी के, उनके समर्थकों ने बताया। राहुल शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा फरीदाबाद से। तो क्योंकि ललित नागर जी के समर्थक, ललित नागर जी पूर्व विधायक है तीगाम विधानसभा क्षेत्र से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित। जैसे कि ललित नागर जी का प्रचार प्रचार जोर पे चल रहा है, हर जगह से आवाज निकल कर आ रही है कि ललित नागर विधायक को फिर इस बार, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो जी, पिछली बार जो बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से चुन कर गया था, 5 साल उसने कहीं शक्ल नहीं दिखाई, एक ईंट भी किसी गांव में या कॉलोनी में एक ईंट का भी विकास नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा था विकास का। आप कॉलोनी में जाके देख लीजिए, पीछे हमारी बसंतपुर कॉलोनी हो गई, ये अशोक एंक्लेव हो गया, इसमें जाके आप देख लीजिए, धीरज नगर हो गया, आरकेज नगर हो गया, अजय नगर हो गया, इतने इतने पानी में, दो दो फुट पानी में बच्चे चल रहे हैं, स्कूल में बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, इतने इतने भीगे जाते हैं, बहुत बुरा हाल है जी। इसलिए अब जनता ने मन बना लिया है कि राजेश नागर को भगाओ और ललित नागर को लाओ। बहुत अच्छा, आप सब देख रहे हैं ललित नागर के समर्थक ने खुलेआम कह दिया है कि इसको भगाओ और इनको जिताओ। आज हमारे साथ बात करेंगे भैया आपका, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अमित बैसला जी। बैसला जी, क्या कहेंगे आप राजेश ललित नागर जी के लिए? ललित नागर जी वो शख्सियत है जो सबके दुख सुख में आते जाते रहे हैं, और कभी किसी को छोटी परेशानी हुई, लॉकडाउन में लोग इतना परेशान हुए, उन्होंने सबको घर आटा दाल चावल तेल सब कुछ पहुंचाने का काम करा। वो अपनी उन चीज़ों से कभी छुपे नहीं, वो लोगों के बीच में रहे, उनके भाई बन के, उनके बड़े भाई बन के, उनके छोटे भाई बन के, उनके बेटे बन के, उन पब्लिक के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे। आज उसी जनता ने उनको चुनकर भेजा।